राजधानी जयपुर में 2 दिवसीय आवासीय अभ्यास वर्ग का आयोजन हुआ। शिक्षक संगठन सियाराम की ओर से यह अभ्यास आयोजित किया गया और इस अभ्यास वर्ग में शिक्षकों को स्कूल में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार की जाए इसके भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। शिक्षण संघ के प्रदेश अध्यक्ष सियाराम शर्मा ने बताया कि स्कूलों में शिक्षक अपना पूरा समय दे, नवाचारों को स्टूडेंट के साथ साझा करे और साथ ही स्कूल के प्रति जुड़ाव भी रखे, इन सबको लेकर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई वर्षों से इस प्रकार के अभ्यास वर्ग आयोजित करता है और इसमें कोई हम मांग पत्र की बात नहीं करते हैं, न कोई पैसे की बात करते हैं। इसमें तीन प्रकार की मुख्य रूप से सारे उसको विभाजित कर रहे हैं, तो तीन बातों पर फोकस देते हैं, तीन बातों पर विचार करते हैं। एक तो यह है कि हमारा अध्यापक जो है, हमारा जो पदाधिकारी है, उसके आचार व्यवहार में और कार्य पद्धति में एक ऐसा अजीब परिवर्तन आना चाहिए कि वो ईमानदारी से विद्यालय में बैठ करके विद्यालय में जाकर के काम करे, जल्दी देर से जाना, जल्दी भागना, नहीं पढ़ाना। इसके हमको इनको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आप खुद पढ़ करके योग्य होकर के और आप उसे अपने क्लासरूम में जाएं और ईमानदारी से जो तनख्वाह आपको मिल रही है उस तरह